आज जिंदल पार्क में है फ्रेंड्स। ये हिसार का जिंदल पार्क है और यहाँ की हरियाली, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के पक्षी, यहाँ के एम्बियंस, यहाँ का नेचर सब कुछ बेमिसाल है। जैसा कि आप देख रहे हैं जबरदस्त। चूंकि आज हिसार में है तो मन किया कि पार्क में चला जाए और इसके लिए हमने हिसार के जिंदल मेमोरियल पार्क को चुना और काशवी भी सहमत थी सो बस निकल पड़े जिंदल पार्क के लिए। तो इस तरह से आपको साथ लेकर हम पहुंचे हैं जिंदल मेमोरियल पार्क। तो ये एंट्रेंस है पार्क का और ये देखिए अंदर प्रवेश करते ही पार्क की हरियाली ने हमारा स्वागत किया है। प्रवेश गलियारे के दोनों तरफ लटकते हुए रंगीन गमले और बने हुए मनभावन चित्र आपका स्वागत करते हैं। पार्क काफी खुला और विशाल है। पार्क के वातावरण की सहजता को आप यहां महसूस कर सकते हैं। कर्मचारी अपने काम पर लगे हुए हैं और मुस्तैद हैं। काश्मीर को पार्क पसंद आया ये सुकून की बात है, वरना उसको ये कहने में वक्त नहीं लगता कि बोर हो रही हूं। पार्क काफी खुला और पर्याप्त है इसलिए बच्चों को बड़ा रास आता है। पार्क में सफाई की व्यवस्था भी अच्छी है और जगह जगह पर डस्टबिन को स्थापित किया गया है। फव्वारों आदि और पार्क के ज्यादातर हिस्से का निरीक्षण करने के बाद काशवी ने बताया कि उसको पार्क पसंद आया है और उसने मेरे साथ पार्क के संबंध में एक विस्तृत चर्चा भी की। उसने मुझे यह भी बताया कि किन किन चीजों की कमी पार्क में है और उनको पूरा किया जाना चाहिए। उसने कहा कि पार्क में पर्याप्त झूले या स्विंग्स नहीं है और ये कमी उसको बेहद अखरती है।
अक्सर पार्क में धार्मिक आयोजन भी होते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रामकथा या भागवत या फिर इसी प्रकार का एक आयोजन आज यहाँ किया जा रहा है। पार्क में अच्छे दर्जे के लाइटिंग अरेंजमेंट्स हैं जो कि रात के समय बहुत उपयोगी होते हैं। पार्क में अच्छे ट्रैक्स का निर्माण भी किया गया है जो कि जॉगिंग, वॉकिंग और रनिंग आदि के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हरी भरी घास और पेड़ यहाँ आने वालों को बहुत आकर्षित करते हैं। काशवी पार्क की आज की इस यात्रा से खुश है और उसने अपने मन की खुशी को अपनी मासूम भावनाओं में व्यक्त किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की ये जिंदल मेमोरियल पार्क की कहानी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ने लगी। शाम ढल रही है और जाते हुए दिन के साथ हमने भी अब घर की तरफ अपने सफर की शुरुआत का फैसला किया है। कुछ बिखरी हुई खुशबूदार यादों को लेकर अब हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि यदि आपको ये आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।